रिकॉर्डिंग हाँ, तो जो हस्बैंड था वो शाम को भी काम करता था। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, दिन में तो काम करता ही था, शाम को भी काम करता था वो। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, शाम को वो किसी व्यापारी की जो खाता बही वगैरह होती है, कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी है, मर्चेंट है, उसकी खाते की किताबें होती हैं, खाता बही वगैरह होती है, अकाउंट्स की बुक्स होती हैं, जिसमें वो अपना हिसाब किताब रखता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी क्लर्क तो था ही, उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयजल जो थे वो ऑलरेडी क्लर्क थे, लेकिन क्लर्क की जॉब करने के बाद में वो शाम को पार्ट टाइम जॉब करते थे, डबल शिफ्ट किया करते थे वो। ठीक है, शाम को वो किसी व्यापारी की दुकान में जा करके उसके खातों को देखते थे, उसके हिसाब किताब को देखा करते थे। एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपीइंग एट 5 साउथ अ पेज, और रात को वो नकल किया करते थे, कॉपी किया करते थे, और एक पेज कॉपी का एक, ठीक है, एक पेज कॉपी का 5 साउथ लेते थे वो। ठीक है, तो समझ लीजिए तीन तीन शिफ्ट कर रहे थे वो, दिन में भी काम कर रहे हैं, शाम में भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिपल ट्रिपल शिफ्ट कर रहे थे वो। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ऐसा उनका 10 साल तक चला, 10 साल, 10 years तक चला ऐसा, ये सारी मेहनत। ठीक है, 10 साल तक चली है, जो पॉवर्टी की लाइफ थी उनकी वो 10 years तक चली। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल के एंड तक उन्होंने, जब एंड हो गया, 10 साल पूरे हो गए, तो उन्होंने सब कुछ वापस दिया है, वो जो जैसे था वैसा हो गया। और मैडम लॉयजल अब बूढ़ी दिखाई पड़ती थी, 10 साल में बूढ़ी हो गई थी वो। जब कोई ऐश की लाइफ जीता है तो वो काफी टाइम तक यंग रहता है। ठीक है, उसकी बूढ़े होने की एज भी हो जाती है, तो कभी कभी यंग लगती होती है। मैंने वरी लेस लाइफ जीता है वो, तो वो यंग दिखाई पड़ता है अब। लेकिन वो थी तो यंग वैसे, 10 ईयर्स इतना बड़ा टाइम भी नहीं होता है कि कोई यंग ब्राइड जो है वो मतलब 10 साल में बूढ़ी हो जाए। तो वो 10 साल के टाइम में वो अब बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ी लगती थी, सीम मतलब दिखाई पड़ती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ट वुमन, वो एक मजबूत और सख्त महिला हो गई थी, जो उनके अंदर सॉफ्टनेस थी वो खत्म हो गई थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, एक गरीब घर की सख्त महिला, हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके जो बाल थे, जो पहले वो बाल अपने बालों को संभाल कर रखती थी, वो बाल उनके खराब हो गए थे। हर स्कर्ट ऑरी, उनका जो स्कर्ट था वो आड़ा तिरछा हो गया था, ठीक है, सिकड़ा हुआ सा हो गया था। हर हैंड्स रेड, और उनके जो हाथ थे वो लाल हो गए थे, इतनी मेहनत करती होंगी वो रोजाना। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और उनकी जो पहले आवाज सॉफ्ट थी, बारीक सी आवाज थी उनकी, हल्की सी नाजुक सी आवाज थी उनकी, जैसे एक यंग ब्राइड की होती है वैसी आवाज थी उनकी, वो अब आवाज भारी हो गई। ठीक है, एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और वो फर्श धोती थी, ठीक है, पानी की बड़ी बाल्टी से, बाल्टियों से। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में हुआ करते थे, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, तो विंडो के सामने बैठती थी, एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती थी। ठीक है, पुराने टाइम में जो इवनिंग पार्टी पे गई थी वो, जिस दिन जिस पार्टी से लौटते वक्त उनका नेकलेस खो गया था, मांगा हुआ नेकलेस, तो वो उस पार्टी के बारे में सोचती थी, कभी कभी सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल, उस बॉल के बारे में सोचा करती थी वो, जो उन्होंने अटेंड की थी पार्टी, बॉल मतलब पार्टी, वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और वहां पे बड़ी सुंदर लग रही थी वो उस पार्टी में, और बहुत तारीफ हो रही थी उनकी वहां पर पार्टी के अंदर। तो वो कभी कभी उसके बारे में सोचा करती थी जब उनका हस्बैंड ऑफिस में हुआ करता था, तो खिड़की के पास बैठकर वो सोचा करती।
पार्टी के बारे में, उन तारीखों के बारे में। हर्षित के नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स पढ़ दीजिए। हर्षित हेलो, ओके रिया आप पढ़ लें। कहाँ से? हाउ वुड इट से पढ़ लें। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? हु नोस हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस? हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन? वन संडे एज शी वाज टॉकिंग टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलिसिस to rid herself of the chaos of the world, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mim Forestier, still young, still pretty, still attractive. Mim was affected. Should she speak to her? Certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? So, वो सोचती थी, अभी हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि मैडम लॉइजल मैटिल्डा अपने घर की खिड़की के पास में बैठकर सोचती थी उस पार्टी की रात के बारे में, ठीक है। और सोचते सोचते वो सोचती थी कि क्या होता, हाउ वुड इट हैव बीन, क्या होता अगर वो उन्होंने वो नेकलेस नहीं खोया होता। हु नोस हाउ सिंगुलर इज लाइफ, वो बोली लाइफ कितनी अजीब होती है, सिमिलर का मतलब यहाँ स्ट्रेंज से है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, वो कितने बदलाव होते हैं लाइफ के। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन, ठीक है। वो कहती है कितनी छोटी सी चीज जो है वो इतनी बहुत छोटी सी बात होती है, वो पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है या बचा लेती है। एक छोटी सी बात होती है वो या तो आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है या आपकी पूरी लाइफ को बचा देती है। छोटी सी बात, नेकलेस का खोना बहुत छोटी सी घटना है, बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन उनकी लाइफ के पूरे 10 साल जो है वो उसी कर्ज को चुकाने में निकल गए। और इतनी मुश्किल की लाइफ उन्होंने बिताई, इतनी मुश्किल की लाइफ बिताई, इतनी टेंशन की लाइफ उन्होंने बिताई कि उनकी सारी जो ब्यूटी थी वो ब्लर हो गई, ठीक है, और वो बूढ़ी सी हो गई दिखने में। वन संडे शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलिसिस to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. So, एक संडे को जब वो चैम्स एलिसिस में वॉक कर रही थी, ये जगह का नाम है, ठीक है, यहाँ पर चैम्स एलिसिस में वो वॉक कर रही थी, इसलिए कर रही थी to rid herself of the cares of the week, जो पूरे हफ्ते की उनको चिंताएं थी, जो टेंशन थी, ठीक है, उन चिंताओं को, उन टेंशन्स को दूर करने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो वॉक करने चली गई थी। कहाँ पर? चैम्स एलिसिस में, एलिसिस में, ठीक है। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन, तो उनको वहां पर एक अचानक से एक महिला दिखाई दी। वो महिला एक बच्चे के साथ चल रही थी, और वो महिला कोई और नहीं, वो मैडम फॉरेस्टियर थी जिनका नेकलेस मैटिल्डा से खो गया था। Still young, और मैडम फॉरेस्टियर 10 साल के बाद भी अभी भी यंग ही दिखाई पड़ रही थी। जैसे मैंने आपको अभी बहुत बताया था कि टेंशन में और कष्टों में, परेशानियों में एक यंग व्यक्ति भी बूढ़ा दिखाई पड़ सकता है। तो मैडम फॉरेस्टियर के साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उनकी लाइफ तो बढ़िया ऐश की कट रही थी, 10 साल की उनकी लाइफ बढ़िया कटी होगी, तो वो अभी भी यंग दिखाई पड़ रही थी, स्टिल प्रिटी और अभी सुंदर दिखाई पड़ रही थी, स्टिल अट्रैक्टिव, अब भी आकर्षक दिखाई पड़ रही थी। मैडम लॉयजल वाज अफेक्टेड, तो उनको देखकर मैडम लॉयजल को प्रभाव पड़ा, वो प्रभावित हो गई, और वो बोली शुड शी स्पीक टू हर, वो उन्होंने सोचा
कि मैं मैडम फॉरेस्टर से बात करूं क्या ना करूं। यस सर्टेनली, अरे हाँ बिल्कुल करूंगी। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल व्हाट। ठीक है, वो बोली कि अब पेमेंट तो कर ही दी है नेकलेस की, तो अब बता देते हैं कि क्या हुआ था। व्हाई नॉट, क्यों ना बताओ मैं इनको अब कि क्या क्या हुआ था। आपका नेकलेस हो गया था, फिर हमने आपको नया ला कर दिया 36,000 का, तो वो बता देती हूँ। अब क्या फर्क पड़ेगा बताने से, बता देती हूँ। पैसे तो हम दे ही चुके हैं इनको। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेन। और वो मैडम लॉयजल मैटिल्डा मैडम फर्स्टे के पास गई, उनको अप्रोच किया और उनसे कहा गुड मॉर्निंग जीन। उनको जीन पुकारा, उनका निकनेम जीन होगा। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, तो मैडम फर्स्ट ईयर मैटिल्डा को पहचानी ही नहीं। एंड वॉज एस्टनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज। और एक बहुत साधारण महिला ने उनको ऐसे मतलब नेक नेम से आके पुकारा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है लाइक रोहित, बट उसका नाम उसका निक नेम है पिंकू। ठीक है, तो कोई आए बहुत साधारण सा आदमी, रोहित जो है वो बड़ा आदमी है, और कोई साधारण सा रहा चलता हुआ आदमी आया जो दिखने में बहुत गरीब लग रहा हो, वो उसको उसके निक नेम से पुकारे पिंकू के नाम से। ठीक है, तो उसको थोड़ा अजीब लगेगा। ऐसी मैडम फर्स्ट ईयर थी, मैडम फर्स्ट ईयर को मैडम लॉयजल ने कैसे पुकारा, जीन के नाम से पुकारा, उनके निक नेम से पुकारा, तो वो पहचाने नहीं उनको। और वो चौंक गई कि एक साधारण सी महिला, एक कॉमन सी गरीब सी महिला आकर मुझे क्या कह रही है, जीन कह रही है, मेरा निक नेम ले रही है। शी स्टैमर्ड, तो वो थोड़ा सा हकल आई, वो थोड़ा सा अटकी बात बात करते वक्त। कौन? फॉरेस्टियर। बट मैडम आई डू नॉट नो, वो बोली मैडम लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपको आपसे कोई गलती हो रही है, आप शायद गलत समझ रही हैं मुझे। तो वो बोली मैडम लॉयजल मैटिल्डा, मैटिल्डा बोली नो आई एम मैटिल्डा लॉयजल, नहीं मैं गलती पर नहीं हूँ, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ आपको, मैं मैटिल्डा हूँ, मैटिल्डा लॉयजल। तो जो मैडम फर्स्ट ईयर थी वो चिल्लाई और चौंक करके चिल्लाई, एस्टोनिशमेंट सरप्राइज में चिल्लाई, ओ माय पुअर मैटिल्डा। वो बोली अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा, हैव यू हाउ यू हैव चेंज्ड, बोले तुम कितनी बदल गई हो, पहचानने में ही नहीं आ रही हो। गौरी पढ़ लीजिए इसको, यस से पढ़ना है आपको। हेलो, गौरी पढ़िए। Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones, and all because of you. Because of me, how is that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. How is that since you returned it to me? I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. M. Forrester stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine. Yes, you did not perceive it then. They were just alike." And she smiled with proud and simple joy. M. Forrester was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs."
तो जब उसने कहा, मैडम फॉरेस्टियर ने कहा कि तुम बहुत बदल गई हो मैटिल्डा, तो मैटिल्डा बोली कि हाँ मैं बहुत बदल गई हूँ और आई हैव हैड सम हार्ड डेज, मतलब मैं मुश्किल के दिनों से गुजरी हूँ, मैं मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ। जब जब मैं आपसे पिछली बार मिली थी, जब मैं आपके यहाँ आई थी आपका नेकलेस वापस करने के लिए, तब से अब तक मैं मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ, एंड सम मिजरेबल वंस, और बहुत दयनीय समय मैंने बिताया है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैडम फॉरेस्टियर आपकी वजह से मैंने इतना मुश्किल वक्त गुजारा है 10 साल, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? तो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, कैसे मेरी वजह से, कैसे मेरे कारण कैसे आपने मुश्किल उठाई, मुश्किल का जीवन जिया, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल? तो बोली मैटिल्डा, बोली मैडम फॉरेस्टियर से, आपको याद है वो डायमंड नेकलेस जो आपने मुझे दिया था पहनने के लिए मिनिस्टर की पार्टी में पहन कर जाने के लिए? तो फॉरेस्टियर ने कहा, यस वेरी वेल, हाँ हाँ मुझे याद है, अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट। तो बोली वो मुझसे खो गया था, मैटिल्डा ने कहा वो मुझसे खो गया था, मैंने उसको घुमा दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? तो मैडम फॉरेस्टियर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने तो मुझे लौटा कर ला कर दिया था, तो कैसे खो दिया आपने? तो वो बोली, आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। वो बोली, मैंने आपको आपका वाला ला कर नहीं दिया था, मैंने आपको बिल्कुल उसके जैसा ला कर दिया था, हूबहू वैसा ही ला कर दिया था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लग गए उसकी कीमत चुकाने के लिए, चुकाने में, वो जो हमने आपको ला कर दिया था रिप्लेसमेंट, उसको उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 साल लग गए। You can understand that it was not easy for us who have nothing. और आप समझ सकती होंगी, आप समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा हमारे लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ था ही नहीं, जिनके पास कुछ है ही नहीं। But it is finished and I am decently content. वो बोली, लेकिन अब सब खत्म हो गया, बात खत्म हो गई और अब मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैटिल्डा ने कहा कि अब मैं कंटेंट हूँ, कंटेंट मतलब संतुष्ट, दुखी नहीं हूँ मैं, dissatisfied नहीं, unsatisfied with my life. Madam Forestier stopped short. तो Madam Forestier बीच में रुक गई एकदम। उन्होंने कहा, you say that you bought a diamond necklace to replace mine. मतलब आप कह रही हैं कि आपने मेरे नेकलेस के बदले में एक डायमंड नेकलेस लाकर दिया था? तो मैटिल्डा ने कहा, yes. You did not perceive it then. तब आपने नहीं देखा था, जब मैंने आपको वापस ला कर दिया था उस समय आपने नहीं देखा था, दे वर जस्ट लाइक, बिल्कुल एक जैसे थे वो। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और मैटिल्डा गर्व के साथ में और आनंद के साथ में मुस्कुराई। मैटिल्डा, मैडम फॉरेस्टर वाज टच्ड, और मैडम फॉरेस्टर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, उनको झटका सा लगा, एंड टू बोथ हैंड्स विद साइड, और उन्होंने दोनों हाथ पकड़ लिए मैटिल्डा के और कहा, ओ माय पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा, माइन वो फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था उसमें जो डायमंड थे वो नकली थे, फॉल्स थे, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो तो 500 फ्रैंक्स के भी नहीं थे। और उसने कितने का लगा दिया था बताना? उन्होंने कितने का लगा दिया था मैडम लॉयजल और मिस्टर लॉयजल ने? यस गौरी, कितने का था याद कीजिए? गौरी रिया बताइए, मैडम लॉयजल और उनके हस्बैंड ने कितने का डायमंड नेकलेस ला कर दिया था उनको, मैडम फॉरेस्टियर को रिप्लेसमेंट के लिए? श्रेयांश आपको याद नहीं है? नो सर, कितने का दिया था सर? देखो, देख के बताओ, चेक करो, दो तीन बार तो मैंने आपको आज ही बताया अभी।
कितने का था वो? दो तीन बार बता दिया होगा हमने। हर्षित, आयुष, टेल मी व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द डायमंड नेकलेस दैट दे बॉट टू गिव इट टू मिसेस फर्स्ट ईयर, मैडम फर्स्ट ईयर। आयुष इज नॉट देयर। ओके श्रेयांश, रिया, गौरी। Okay, you can check it in the chapter itself. Do you have the book with you? ₹36,000 36,000 francs। और उसकी एक्चुअल जो उन्होंने खोया था उसकी उसकी कॉस्ट कितनी होगी लगभग? ₹500 तो उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने क्या मिस्टेक करी? व्हाट मिस्टेक डिड दे मेक? बहुत महंगा दे दिया था। उनको क्या करना चाहिए था उसके बजाय? जब उनसे वो खो गया था तो उनको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था सर? आप बताइए, आप उनकी जगह होते तो क्या करते? व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन their place? If you were Mr. Loisel, what would you have done? Yes, please. Ria? उनसे पूछ लेते कितने का था। हाँ, उनसे पूछना चाहिए था, उनसे कहना चाहिए था कि कितने का था। भाई लौटाना तो था ही ना, उनको लौटाने का तो उनका इंटेंशन था ही ना। तो एक बार जाके पूछ लेना था कि कितने का है, हमसे खो गया है, हमसे गलती हो गई है, आप बताइए कितने का है आपका, हम आपको लौटा देंगे। तो ये उनको बात करनी चाहिए थी। अब उनको वो 36,000 francs नहीं है, वो उनकी लाइफ के 10 years है। कौन सी लाइफ के? यंग एज के। उनकी यंग एज के 10 years थे वो। It was not simply 36,000 francs. 10 years of their life. आपने देखा होगा लोगों का एक साल खराब हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं एग्जाम में, तो कितना शॉक लगता है उनको कि एक साल खराब हो गया। ठीक है, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और उनके कितने साल खराब हो गए? 10 साल, 10 years of their life. उन्होंने बहुत कष्ट में बिताए। मीटिंग एंड होने वाली है, मैं इसलिए दोबारा से आपको ज्वाइन करता हूँ। आप लोग आ जाइए दोबारा से, लिंक तो है ही ना आपके पास में, उसी लिंक से आ जाइए। ओके सर।